हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोए ग्रो। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी पर। ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सो इससे पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि रेनफेड एग्रीकल्चर, पैथोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ, गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा गो एग्रो ऐप पर आपको जनरल एग्रीकल्चर बुक्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी। इसमें हम इंसेक्ट इकोलॉजी के बेसिक्स को समझते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी कितने टाइप की होती है और इंसेक्ट इकोलॉजी पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और इंसेक्ट इकोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सभी हम इस लेक्चर में समझेंगे। सो सबसे पहले हम इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इकोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशंस को समझते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे रिलेशन होता है, ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसको हम इस लेक्चर में समझेंगे। और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इकोलॉजी लिविंग थिंग्स मींस बायोटिक थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मींस एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन को समझाती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग होता है कि ये एक टाइप का नेचुरल सिस्टम है जहाँ पर लिविंग फैक्टर्स मींस बायोटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर जैसे कि एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, सॉइल, वाटर और एयर। इन सब के बीच में इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनता है। मींस प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल, वाटर और एयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, उसे हम उस पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मींस इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स और एनवायरनमेंट के म्यूचुअल इंटरेक्शन से बनता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट होता है। सो इसी डिपेंडेंस की वजह से इनके बीच में एक इंटरेक्शन बन जाता है और एक सिस्टम फॉर्म हो जाता है, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स दी हैं, जैसे कि फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, मींस हर एक इंडिविजुअल जो कि लिविंग है उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट एट्सेट्रा, ये सभी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसके बाद सेकंड टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग होता है कि ऐसा ग्रुप जो एक सेम एरिया में रहते हैं उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। मींस ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सेम एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट थर्ड टर्म है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग होता है कि ऐसी पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक डिफाइंड एरिया में रहती है, उसे कम्युनिटी बोलते हैं। सो एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन को हम कम्युनिटी ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है बायोमास। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर अर्थ का एक पार्ट बनाते हैं जिसे हम बायोमास बोलते हैं। सो बायोमास इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ मैनी इकोसिस्टम्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक बड़ा सिस्टम है जिसमें इकोसिस्टम, कम्युनिटी और बायोम सभी इंक्लूडेड होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है।
अर्थ पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी बायोस्फीयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो ये थे इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। इसके बाद अब हम इकोलॉजी के टाइप्स को समझते हैं। इकोलॉजी टू टाइप्स की होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। फर्स्ट वन है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है इसमें हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन को समझते हैं। मींस इसके बीच में इकोलॉजी में हम क्या समझते हैं, इंटरेक्शन। सो ऑटो इकोलॉजी में इंटरेक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में होता है, जबकि सिन इकोलॉजी में एक कम्युनिटी ग्रुप के बीच में और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के रिलेशन को हम एनवायरनमेंट से समझते हैं। सो ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में यही डिफरेंस होता है कि ऑटो इकोलॉजी में हम एक सिंगल इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के रिलेशन को समझते हैं, जबकि सिन इकोलॉजी में हम एक ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी के इंटरेक्शन को एनवायरनमेंट के साथ समझते हैं। सो ये थे इकोलॉजी के टू टाइप्स। इसके बाद अब हम इकोलॉजी की इम्पॉर्टेंस समझते हैं कि इकोलॉजी पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इन पेस्ट मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो ये सभी इकोलॉजी से समझेंगे हम। इस सब्जेक्ट में हम पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इनडिस्क्रिमिनेटली पेस्टिसाइड को यूज़ करने से पेस्ट को कंट्रोल करने वाले नेचुरल एनिमीज मर जाते हैं, जिसकी वजह से पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम अगर फील्ड में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फील्ड में प्रेजेंट कुछ ऐसे नेचुरल एनिमीज होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और वो क्रॉप्स को और भी ज़्यादा हार्म करती है। इसीलिए पेस्ट मैनेजमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि हमें कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए और कितने अमाउंट में करना चाहिए, ताकि नेचुरल एनिमल्स किल ना हो और वो पेस्ट मैनेज कर सके और पेस्ट की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सके। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मोनोकल्चर। मींस अगर हम एक ही टाइप की क्रॉप्स को बार बार लगाएंगे तो उस जगह पर पेस्ट वहाँ के हैबिचुअल हो जाएंगे और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने की वजह से पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज होती रहेगी। इसके अलावा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ करने से और ससेप्टिबल वेराइटीज़ को यूज़ करने से और मोर नंबर ऑफ इरीगेशन यूजिंग हाई नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, इन सभी की वजह से पेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है और पेस्ट पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है और क्रॉप्स हार्म होती रहती है। इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि इकोलॉजी को पढ़ने का यही इम्पोर्टेंस होती है कि पेस्ट पॉपुलेशन में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, अचानक बढ़ना और घटना होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए और पेस्ट को मैनेज करने के लिए हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इकोलॉजी स्टडीज़ में हम पेस्ट कंट्रोल करने के लिए और पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ये थे इंसेक्ट इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि इंसेक्ट इकोलॉजी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मेनली इंसेक्ट इकोलॉजी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को हम डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स भी बोलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है फूड और सेकेंड है ऑर्गेनिजम्स। फूड और ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट इकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा सेकेंड फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर, जिसे हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी बोलते हैं।
एबायोटिक फैक्टर्स बहुत से होते हैं जो इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट, एयर, वाटर और सॉइल। ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इंसेक्ट इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। और ये इंसेक्ट इकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सो ये था एंटोमोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।